जैसा कि तुम सबको याद होगा इससे पिछले एपिसोड में मैं पकड़ के लाया था कुछ दासू पेल्स और कुछ नए बॉस पेल्स डिस्कवर करे थे, तो आज मैं पकड़ के लाने वाला हूँ कुछ न्यू बॉस पेल्स और अपनी लेवल बढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी मैं गेम में आ चुका हूँ और मेरे पास एक प्लान है कुछ अच्छे बॉस पेल्स को मारने का, जो कि अपन शायद अकेले नहीं मार सकते हैं। जैसे कि हो गया अपना एनुबिस और एक ये, इसको मैं अकेला मारने का ट्राई करूंगा। अगर ये नहीं मरा तो फिर मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है, वो अपन अप्लाई करेंगे और एक दो और ये तीन पेल्स मेरे को पकड़ने का ट्राई करना है। बाकी हाँ, एक और पेल अपन ने डिस्कवर करा था, ये भी 45 लेवल का है, सुजाकू एक ये। ओ भाई, कितने सारे बॉस पेल्स रह रहे हैं पकड़ने को। सो लेट्स गो गाइस, अपन सबसे पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी सारी, अपने को जो भी खाना चाहिए। ओहो, एक मेहमत का अपने पास ये पड़ा है, अपने पास खाने के नाम पे सिर्फ 60 ब्रेड है। ओके, सबसे पहले तो मेरे को अपनी इन्वेंटरी सही करनी पड़ेगी। रुको, इन्वेंटरी सही करने के लिए मैं एक मेटल आर्मर है, एक कोल्ड आर्मर है रखूंगा, इसको बाहर पटको। हाइपर स्फीयर्स मेरे पास काफी है बट कम पड़ेगी, ये और बनवानी है अपने को। ओके गाइस, मैंने सारी चीज ड्रॉप करवा दी, अभी धीरे धीरे करके अपनी जो एनिमीज वगैरह है वो इनको उठा उठा के चेस्ट में रख देंगे। अभी मेरे को अपनी पाल टीम डिसाइड करनी है, बट उससे पहले मैं एक सर्वाइवल गाइड में जाके मैं देखने वाला हूँ कि वाटर टाइप बंदे कैसे मरते हैं। तो वाटर टाइप बंदे इलेक्ट्रिसिटी से मरते हैं, क्योंकि मुझे अभी इस बंदे को मारना है, जर्मनटाइड को, तो इसके लिए मेरे को इलेक्ट्रिक बंदे लेके जाने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिक बंदे मेरे पास अच्छे खासे है नहीं यार, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। बाकी ओके, एक ये इलेक्ट्रिक बंदा है, एक बीकॉन लेके जाने वाला हूँ, बीकॉन बहुत अच्छा काम करता है यार। एक बीकॉन अपने पास 30 लेवल का भी तो था। ओके, बीकॉन तो नहीं मिला बट अपने को ये रिलैक्सोसॉरस मिल गया है, जो कि एक 430 का डैमेज दे रहा है, तो क्यों ना पहले इसको रख लेते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिक बंदा है जो कि 400 का डैमेज दे रहा है, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, एक ये रहा बीकॉन मेरे पास 29 लेवल का, जिसकी 403 का अटैक है और इनकी एचपी करीबन 2500 तक की है सबकी। तो मेरे को एक और बंदा अच्छा सा लेना है जो कि इलेक्ट्रिक हो यार, लेकिन मैं फिर ट्रेवल कैसे करूंगा, एक सेकंड रुको, देखने दो मेरे को आसपास ट्रेवल का है कि नहीं। ओके, यहाँ से अपन यहाँ तक पैदल आ जाएंगे अगर कुछ अपने को अच्छा नहीं मिला तो। ओके, एक यूनिवोल्ट मिल सकता है अपने को, यूनिवोल्ट भी तो मैं पकड़ के लाया था बॉस पेल वाला यूनिवोल्ट। ओके, ये रहा एक यूनिवोल्ट 31 लेवल का है, जिसकी 407 का डैमेज है। डन, अपनी पाल टीम रेडी हो चुकी है। अभी सबसे पहले तो मेरे को जाना है अपने फूड वाले बेस पे और यहाँ जाके थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा करना है और इसके बाद ओके, फूड पहले ही बहुत बना पड़ा है, ये लेके चलते हैं और यहाँ पे और बनवा देते हैं। ब्रेड नहीं बन रही क्या भाई? तो ब्रेड, एक सेकंड रुको, मेरे को क्यों दे जा रही है ये जेम? ओ ओके, इसमें रखो ये सारी चीजें और एक सेकंड इसे कैंसिल करते हैं। इसको अपन ऑटो ट्रांसपोर्ट बाय पेल्स पे लगा के चले जाते हैं। मैक्स डन, अभी इसको मैक्स पे सेट करते हैं और यहाँ से चलते हैं अपने इस पेटी में। ओके, ये पेटी भर गई है, इसलिए ये लोग बाग जो है बाहर फेंक फेंक के जा रहे हैं आइटम। रुको ब्रो, रुको, बाहर मत फेंको, तो मैं एक स्टोरेज बनवा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे यार, स्टोरेज के लिए कुछ है भी तो नहीं। ओके, मैंने थोड़ी बहुत वुड इकट्ठी कर ली है, अभी इनके लिए मैं चेस्ट बनवा देता हूँ। यहाँ पे ये रही एक चेस्ट, इसको लगाओ इसके बगल में और इसमें रख देते हैं अपन फालतू का सामान जो यहाँ से इकट्ठा हो गया। ठीक है, डन। फ्लोर, ओके, फ्लोर का मैं इधर ब्रेड बटर जाम बनवाने वाला था। डन, और इसके अंदर खाना बहुत सारा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अपने पास भी 193 हो गया है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको मारने में, या फिर और खाना लेके जाऊं। मेरे आर्मर वगैरह सब रिपेयर है। ओके, ये रिपेयर है, हेलमेट भी अच्छा खासा रिपेयर है, शील्ड भी अच्छी खासी रिपेयर है। चलो लेट्स गो, मैं जा रहा हूँ सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक बॉस पेल को मारने। डन, मेरे को एकदम बैक में जाना है। चलो भाई चलते हैं, बाकी मैं किसी भी पेल पे राइड नहीं कर सकता हूँ तो मुझे भाग के जाना होगा। और ये मेरे पीछे लग गए, तुम इससे लड़ो भाई, एक सेकंड, मेरे से मत लड़ना, मेरे को जाने दो। ठीक है, मैं हाइपर स्फीयर 37 ही लाया हूं, अगर इसमें काम हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं मर सकता हूं। शिट 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 शिट, यहां पे वो बड़ा वाला बंदा रहता है भाई, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू पिटना मत अभी, तू काम चीज है भाई। डन, मैं आ गया हूं, मुझे इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे उतरता हूं डायरेक्ट। ओके ओके, ग्लाइडर भी तो है अपने पास। रात क्यों हो गई भाई, अभी तो मैं जस्ट आया ही था। कोई बात नहीं गाइस, रात में लड़के देखते हैं, क्या पता रात में ये बंदा थोड़ा कमजोर पड़ जाता हो, ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई, अपन नया इतिहास लिखेंगे। एक सेकंड, ये बंदा कहाँ है, मुझे दूर दूर से लड़ना पड़ेगा इससे। अरे क्यों ना, ओके, मैंने इससे पहले इसको बहुत खत्म कर दिया था, अब मुझे याद आया। ठीक है, इसको क्यों ना अपन है ना, जाओ मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। अबे जाने देना भाई, हट जा, मुझे जाने दो। हैंड गन से मैं इसको अपने पास बुला लेता हूँ, पड़ गई। चलो चलो चलो, इधर ग्राउंड पे चलो, पहले इसको खत्म कर भाई, इसको खत्म कर। ओए साले, मार मत दी। ओके, सही चल रहा है। अबे नहीं यार, इसको ग्राउंड पे कैसे लेके आऊं, थोड़ा सा ग्राउंड पे वैसे अच्छा खासा चल रहा है, तीन सही चल रहा है। मैं बचा बचा के अपने पैल से इनको पिटवा सकता हूँ।
अबे क्यों अटैक क्यों नहीं कर रही है? अटैक करो ना भाई, भाई ये मेरे पैल्स को क्या? जा भाई ऐसे तैस करा ले, ठीक है मुझे नहीं लड़ना। भाई क्या टट्टी चीज थी गाइस, रात हो गई इसलिए नहीं लड़ रहा क्या? अब यार यहाँ आसपास वो है भी इतनी दूर। गाइस कल सुबह मिलते हैं तुम लोगों से। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ और ये लोग यार अभी से गुस्सा हो गए। ले इससे लड़ियो जरा, इसका भी तो फाइट देखे, इसका मैंने फाइट कभी कराई नहीं। ओहो मारे मत भाई ऐसे। ओके ओके बहुत सही बहुत सही, मैं भी थोड़ा बहुत मार देता हूँ इसको। चलो खत्म, इधर आ जा, अभी इससे नहीं लड़ना। मेन बंदा कोई और है, एक बार के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इसको मारना है और फटाफट ग्राउंड पे भागना है भाई। ओके ये पड़ी इसके ओके ओके पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? कोई बात नहीं, मैं इधर से भी गोली चला दूंगा अगर थोड़ा सा ही पास में आ जाए, चल जाएगी ना भाई। ओके अबे आना, हाँ बस ये बात, आ जा इधर आ जा इधर आ जा, मार बड़ी। अरे मार यार, अबे क्या हो जा रहा है इसके पास जाते ही। देख ओके ये मार रहा है, ये मार रहा है, इसको मारने देते हैं। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, मेरे पे फोकस रख ब्रो मेरे पे। अरे इधर मार भाई, मार 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 मार, पड़ी 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 पड़ी, सही है यार। इसकी एचपी कम कर सकता हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ये इधर भी तो आया थोड़ा सा। इधर इधर कोई बात नहीं, इसकी पड़ रही है। ओ सही डैमेज दे रहा है 22-22 का। अबे कहाँ घुस रखा है, इधर आ जाना थोड़ा सा। कहाँ अटक जा रही हो? ओके ये अटक गया शायद, नहीं अटका नहीं अटका नहीं अटका नहीं, इस आदमी को तो मारना है कुछ भी करके। चीज बढ़िया है यार, ये बकवास है भाई ये बीकॉन बीकॉन। ये नहीं मैं इसी को छोड़ रहा हूँ, ये कुछ काम करे शायद। ओह शिट, अबे मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेकंड रुक जाओ, खाना खाओ खाना खाओ सब खाना खाओ। ओह बच गया, बड़ी तू मरेगा सड़े। ओके 3000 की एचपी हो गई इसकी, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया जी। इलेक्ट्रिक पेल्स काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं बस। अरे यार वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। रीलोड हो गई मेरी गन और ये पड़ी। अबे नहीं यार 15-15 से तो अच्छा है मैं इसको उससे ही मार लूं। भाई इसकी 3000 की एचपी कर दी है मैंने, 1000 की एचपी में खा गया हूं इसकी है? अबे यार इनने फिर उड़ा दिया भाई। यार ये नखरे मत करना भाई, वो मेहमत की तरह हाँ, लेकिन अगर अटका सकते हो तो अटकाओ भाई, मेरी पूरी परमिशन है भाई, अटकाओ साड़े को। अगर अटक गया तो मारो, लेके जाएंगे कोई बात नहीं, दोबारा फाइट करके दिखा देंगे, लेकिन लेके जाएंगे साड़े को। सही जगह फंस रखा है आदमी, अब ग्राउंड पे आ गया पानी पानी वाला बंदा। ओ बच गया, आवाज क्यों बंद हो गई भाई, जाने लग गया ना ये आदमी। अब तो आ जा, अब तो अपनी जगह पे पहुंच गया। हाँ आ जा आ जा। ओके बहुत सही काम कर रहा है, मेरी शायद शील्ड वगैरह चली गई है, मुझे रिकवर करके आनी है मेरी शील्ड। भाग 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 भाग, सारा फोकस मेरे पे रख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे उचक क्यों रहा है, ऐसा क्या कर रहा है यूनिवर्ट तेरे नीचे घुस के? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? शिट नहीं 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 ले इससे लड़ भाई। 2300 की एचपी कर दी इसकी मैंने, आराम से मर जाएगा ये आदमी। यूनिवोल्ट भी काम नहीं कर रहा क्या भाई? यार एक तो इस गेम की ग्लिच भाई, मर जा साले। यार अब तू ही कर सकता है भाई, कुछ कर दे कुछ कर दे प्लीज कुछ कर दे, मार दे भाई। नहीं लड़ना, जब लड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग किस काम के हैं? ये बीकन लड़ ही नहीं रहा है, अब लड़ा ये आदमी भाई, करीब करीब खत्म होने वाला है। शिट नहीं 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 नहीं, मुझे खत्म नहीं होना भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। 1800 की एचपी बची, क्या तुम 1800 की एचपी कम? लो खत्म, ये आदमी और अलग ही एग्रेसिव हो रखा है भाई। कर ले तेरे को जो करना है कर ले, वो पैट से रिकवर होके आएंगे। अब गाइज अब बीकन भेजते हैं इसके पास, मारो भाई मारो इसको मारो मारो, मैं इस पे फाइट नहीं लेने दूंगा। डन 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 डन, इधर इधर आ जा 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 भाई। गया मैं वापस गया मैं वापस गया, बट इसकी एचपी बहुत कम रह गई है, 1500 की एचपी है। गाइस मेरे को आर्मर पूरा अपग्रेड करके लाना चाहिए था, मैं मरने लग गया हूँ यहाँ पे। अब 1200 की एचपी रह गई है इसकी। यार अब सारे जाएंगे, अगर थोड़ी देर रुका नहीं तो सारे जाएंगे। डायनोसोर्स को भेजा एक बार के लिए मैंने। भाई यार इसको मैंने खत्म कर दिया तो 900 एचपी का बचा था ये सिर्फ। एक सेकंड रुको गाइस, मैं पेल बॉक्स उखाड़ने वाला हूँ कोई ना कोई सा, तो रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ क्या काम चल रहा है मेरे को देख लें दो। ज्यादा कुछ अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं यही वाला बॉक्स उखाड़ लू। एक सेकंड रुको, पहले सोता हूँ और फिर एक ट्रेवल वाला बंदा उठाता हूँ, क्योंकि मैं एक पेल बॉक्स तोड़ने वाला हूँ, उसको अपन लगाने वाले हैं उस बंदे के पास में, और फिर सारे बंदे मिलके अटैक करेंगे। क्योंकि यार मैंने उसको मार दिया था भाई, मैं सिंगल फाइट लेना चाह रहा था और उस सिंगल फाइट के चक्कर में मैंने मार दिया था उसको। अरे कहां जा रहा है? तो अब मुझे कोई सिंगल फाइट नहीं करनी, अभी मैं करूंगा टू बॉस फाइट, लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा यहाँ पे। और यार क्या मैं अगर ये तोड़ूंगा तो सारी चीजें टूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ अगर टूटी तो ज्यादा मुश्किल है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपन और वाले फार्म पे तोड़ देते हैं, क्योंकि और वाले फार्म पे मैंने कुछ लगाया नहीं है। लेट्स
रहा है, एक सेकंड रुको गाइस, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही डिसेबल करता हूँ एक एक चीज को, इसको तोड़ते हैं, मैंने ये चीज तोड़ दी एक, और ये चीज टूट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो टूट जाता तो ही दिक्कत वाली बात थी, और इनको मैं सबको एक एक करके अंदर रख रहा हूँ, अंदर जाओ भाई सब लोग, डन, सब लोग चले गए, अभी अगर मैं इसमें से सारा सामान निकाल लूँ तो यहाँ कुछ रहेगा नहीं, यस भाई, तोड़ तो दिया इसने, बट अपन यहाँ वापस भी बना सकते हैं, और ये सब सामान जब रखा ही है तो दिक्कत क्या है, रख देना भाई, और मुझे पाल बॉक्स बनाने के लिए पैलेडियम फ्रेगमेंट, वुड और स्टोन, बस 9 ये द कुछ ये और पैलेडियम फ्रेगमेंट मिल जाए 2-4, हो गया मेरा काम, अब मैं धुनाई करूंगा इन लोगों की, बट मैं घर कैसे, इसलिए तो लाया था मैं ये, अब मुझे जाना है उधर की साइड, गाइस देखो अब मेरा इंतकाम, ए कौन चमक रहा है, कहां से आवाज आ रही है, कोई तो चमक रहा है, गाइस क्या तुम्हें दिख रहा है कोई चमकता हुआ, भाई दिखा दो, देखो ओके, मैं मत बड़ी लड़ी हो जरा, यार मेरे पे आर्मर शार्मर पॉल्स वगैरह भी नहीं, आई मैं मत था यार, एक सेकंड रुको, अगर मैं अपने बेस को यहाँ बना के इसको बना दो पूरा, ओके ये बंदा कहीं गया नहीं है, ये बंदा कहीं गया नहीं है, इससे मेरे को जाना है यहाँ पे और बस सामान लेके आना है, ब्रो एक सेकंड रुक जाइयो भाई, जल्दी ले चल, इधर नहीं इधर जाना है यार, बस वो चला नहीं जाए यार, रिस्पॉन हो जाते हैं, ठीक है देखी जाएगी, एक बार मैं ट्राई तो करता हूँ, चल लेना भाई, फालतू फालतू लोगों से क्यों लग जाता है, ठीक है चल फटाफट चल वापस से, गाइस मैं वापस पहुंचने तो वाला हूँ, कौन सा था, प्लीज वो हाथी यहीं हो, शिट भाई, गाइस वी मिस्ड इट, कोई बात नहीं अपने हाथ में नहीं होगा वो, छोड़ो चलते हैं यहाँ से, अपने को जाना था यहाँ से इधर, मैं वापस से वहां जा रहा हूँ क्योंकि अपने को अब इसको मारना है कुछ अलग तरीके से, मैं बताता हूँ कैसे, लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी मेरे को पहले खाना खिला लेना चाहिए, और खाना नहीं लाया हूँ मैं, वैसे खाने का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे क्योंकि इतने सारे पैल्स लड़ेंगे ना, फटाफट से वहां पहुंचने दो, ये बिल्ड सेटअप टू क्लोज टू स्पेशल बॉस, शिट भाई शिट यार, ये तो कर ही नहीं सकते, ओके यहाँ लग रहा है, और ये सही है, ये और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास, ओ ओ ओ ओके, और पास, ओ ओ ओ, डन गाइस, अभी मजे आएंगे इससे फाइट करने में, बेटा बहुत तंग किया था ना, अभी मैं बताता हूँ, पहले सारे बंदे उतारने दो मेरे को, ठीक है, एक ये और एक और मैं उतार सकता हूँ, जो कि मैं इसको उतार देता हूँ, ठीक है, नहीं, ये बंदे कब काम आएंगे, बर्फीले वाले किधर गए, ये रहे, एक की जगह ये, डन भाई, अब तुम जो कर रहे हो ना फालतू काम छोड़ो, और मैं इसको बुला रहा हूँ, आजा बड़ी आजा भाई, लड़ गया, लड़ाई हो गई, जाओ पीटो सालों को, लग गई गाइज, लग गई भाई की, लग गई भाई को, अटैक करने का टाइम नहीं मिल रहा, अबे उसको जमा दिया, वो बेचारा वो फेंक रहा था, भाई चल रही है कि नहीं चल रही फाइट, अच्छी खासी चलाओ यार फाइट, तुम क्या करने में लगे हो साले बावले हो क्या, उठ इधर आ ठीक है, और उसके पास जा, एक सेकंड रुको, एक पैड को मेरे जेब में रखने दो, एक दो बंदे और उतारता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो रेड भाई, इसी टाइम रेड करनी थी, वो भी भाई पता नहीं किन किन की रेड करी इन लोगों ने, बहुत बढ़िया, और ये लड़ क्यों नहीं रहे हैं जरा बताओगे, लो वो आ गए, पहले उनसे तो खत्म कर लें, लड़ो भाई लड़ो, वो तो बेस में ही आ रहे होंगे अभी, मारो बे मारो मारो, भैया तुमको क्या हुआ, तुम अलग अटके पड़े हो, हाँ तुम पीछे से अलग थूक फेंक रहे हो, मैं इससे लड़ता हूँ, इनको करने दो जो करना, तुम्हारा काम अगर हो गया हो तो ये छोड़ के उससे फाइट करोगे, जाओ भाई जाओ, प्लीज जाओ फाइट करो, ओ गोली भी खत्म हो गई, हम तो यहाँ तुमसे फाइट करने आए, हमारी गोली खत्म हो गई, चल साले तू उधर चल, ना मानेगा ना मानेगा भाई ना मानेगा, ये ना मानेगा, भाग ले, मर गया ले गाइस, जैसे फाइट अच्छी सी नहीं चल रही यार, कैसे मारूं इसको, कुछ नहीं कर रहे भाई ये लोग, गाइस एक आइडिया है, क्यों ना इस बंदे को अपने बेस तक बुलाया जाए, एक आइडिया है मेरे पास, अभी आदमी आगे नहीं आएगा है, वैसे तो इतनी दूर तक आ गया था साढ़े, हाँ अब पास में आ गया तो मार रहा भाई, वंस अगेन मैं मरने वाला हूँ, गाइस क्या अपना प्लान अनसक्सेसफुल हो गया है, एक और ट्राई, क्या मैं बेस को इधर बना के देखूं, यार इतने में तो लड़ लेंगे, बस एक हाथ मारने की देरी है मेरे को, इसको एक हाथ मार के आता हूँ, इसको कराओ इससे फाइट, ओके गाइस अब बहुत पास है, हैकिंग हुकिंग अपला देते हैं अपन, ओके मैंने अग्रेसिव अटैक पे कर दिया है, और ये पड़ी भाई, गुस्सा हो गए हैं सारे, और पढ़ना चालू भाई, दूर मत भेजो, देखो सिस्टम क्या है, गड़बड़ा जाएगा, मैंने जिस सिस्टम से लगाया उस सिस्टम से लगे रहने दो, देख, दूर भेजते ही वो चला गया ना, आओ यार आओ भाई, कोई इंसान अगर इनको बेस से बाहर से मारे ना तो ये साले कुछ नहीं करेंगे उसका, वो करेंगे भाई, चल रही है फाइट चल रही है, 3000 की HP ऐसे भी चलेगा मेरे को,
बेस में आ गया पिटेगा भाई। अबे क्या कर रहे हो तुम, मारो साले को। बेस में आ गया, बोला था पिटेगा। बेस में आ गया, बेस में आ गया। ओके बेटे, तबाही देख रहा है, तबाही। ये उड़ा मत देना भाई, उड़ा मत देना, बस मार दो। बहुत सही बड़ी, प्लीज। ठीक है, और मारो साले को। शिट, नहीं अभी निकलते, इसको मेरे को पकड़ना पड़ेगा वरना मर जाएगा ये। भाई रुक नहीं रहे ये अटैक करते हुए। गाइज फाइनली अपना बंदा हो गया है, अपना ही बंदा था गाइज। मार तो मैं ऐसी खुशी खुशी में रहा था। जाओ भी अंदर जाओ कबूतरो। अबे ये हुई ना बात, लेट्स गो गाइज, फटाफट से घर चलते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक जबरदस्त। अरे कब सालो, ये बाज नहीं आएंगे भाई। 7 बॉल्स में वो अपने पास आ गया है, क्योंकि मेरे पास 30 बॉल्स बची, मतलब मेरे पास 37 थी इन टोटल। भाई अकेले फाइट करना बड़ा मुश्किल है, मेरी लेवल देखी तुमने 32 और उनकी लेवल देखी 37, 50 लेवल के। वो मेहमत देखा तो तुमने 50 लेवल का था। अभी मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ जो कि अच्छा, अभी मेरे अंदर ही तो है गाइज। ये आजा इधर साले, बेटे डैडी बोल डैडी। हाँ मार उसको मार, जेबा भाई नन्नी सी जान है वो। इसने मुझे 2 एपिसोड सताया है। डैडी बोलेगा तू, डैडी बोलो, इसके मुंह से डैडी निकलवाना। ये नाच के दिखाएगा स्लिप। भाई इसकी इमोट है ना भाई। गाइस इसको 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 क्या खिलाऊं, इसको ब्रेड खिलाता हूं। इधर देखो, ब्रेड खिलाता हूं मैं। अरे पूंछ में ब्रेड खा रहा है क्या गाइस? इसका छेद थोड़ा पूंछ में है। चलो चलो भाई चलो गाइस, अभी अपन फायर वाले बंदों को बहुत तगड़ी तरीके से मार सकते हैं, क्योंकि अपने पास है ये। इसका अटैक कितना सा है भाई देखो, लेकिन इसकी एचपी भाई बहुत गंदी है। अच्छा यार ये 32 लेवल का हो गया ना, ये दिक्कत है। नो प्रॉब्लम गाइज, नो प्रॉब्लम। अभी सबसे पहले अपने को सोना है। आज के दिन मुझे देखना है कि मैं टेक्नोलॉजी में से कुछ अनलॉक कर सकता हूँ या नहीं। और मेरे को यार टेक्नोलॉजी में से अनलॉक करने से ज्यादा जरूरी मेरे को लेवल बढ़ाना है यार। लेवल बढ़ी नहीं रही है, 32 पे आके अटक गई है। अपन अपना बेस एक बार के लिए दोबारा लगाए आते हैं। अपना बेस था इधर की साइड, पहले इधर चलते हैं। लेट्स गो। मेरे ज्यादातर पेल्स को पता नहीं एंजाइटी हो गई है, तो उनको भी देखना पड़ेगा, लेकिन काम रुकने न पाए। इधर आना भाई, अभी किधर लेके जाने का था मेरे को, लेके चलो उधर ये। अरे यार भाई मेरे पास ये मेहमत ना 50 लेवल का आता, वो भी चमकीला वाला। भाई चमकीला वाला क्या समझते हो तुम लोग बताओ, चमकीला। मेरे को मैप में ओके सही जा रहा हूं मैं। ओके वो जगह आ गई है, और अपना सारा सामान वहीं की वहीं वैसे के वैसे रखा हुआ है। अरे भाई चल उतरने दे इसको, अभी के लिए वापस से लगा देते हैं अपन काम पे, और वापस काम आएगा जब वापस काम में लेंगे इससे। लेट्स गो, अपना आयरन भी तो बनता रहना चाहिए ना, तो सबसे पहले इसको लगा दो, और यहाँ पे जितने भी एनबीस थे इन सबको बाहर निकालो। डन। और कौन था यहाँ पे, तू था। 2 फायर वाले बंदे थे, एक ये और एक ये, 2 फायर वाले बंदे हो गए, और 2-4 ये थे। ठीक है इनको रखवा दो, हटाओ। डन गाइस, अपना यहाँ का काम वापिस से चलने लगा है। और इसके अंदर हाँ मेरे को पता था बहुत सारा और पड़ा होगा, और मेरे पास गन है ना अब तो। हाँ ये देखो, पहले इधर जाओ, मैं इधर आ गया हूँ, और अभी अपने को जाना है थोड़ा और आगे। गाइस यहाँ के सारे कलेक्ट कर देते हैं अपन ओर्स। ये लो, इनसे तो कलेक्ट होने से रहे, मैं ही कलेक्ट करता हूँ। और कहाँ पे रखे, ओके बाकी तो ये कर रहे हैं। चलो अपन अभी चलते हैं यहाँ पे, और इन सबको रखवा देते हैं अंदर, इसको भी अंदर रखवाओ। देख रहे हो गाइस कुछ इस तरीके से मैं करने वाला हूँ आगे की बहुत सारी फाइट्स। बट पहले अपने को कुछ अपग्रेडेशन करनी है, और उस अपग्रेडेशन से भी पहले मुझे बनवाना है एक और माइनिंग साइट 2, जो कि बनने वाली है टू क्लोज टू स्पेशल बॉस है यहाँ से है। ओके ओके यहाँ बन जाएगा ना। चलो भाई इसको बनाने आ जाओ सबकी सब, फटाफट लग जाओ काम पे। ये बन गया, चलो भाई तुम लोगों के काम की चीज बन गई है। अभी मैं इसमें से सारे ओर्स ले लेता हूँ, और इसके अंदर मेल्ट करने रख देता हूँ। ये लो भाई, एक सेकंड रुको ना, इसको कैंसिल करो, इसको भी ऑटोमेट बाय पल्स करो, और स्टार्ट कर दो सारी माइनिंग। लेट्स गो, यहाँ का काम हो गया है। अभी अपन चलते हैं वापिस से अपने बेस पे, जो कि है ये। गाइस किसी का भी बेस
कितने लेवल का होगा मैक्स? इसमें 15 लेवल है, बाकी हाँ अपन अगर सेटिंग्स छेड़ दें तो अच्छा खासा अपन लेवल एक्सपीरियंस वगैरह सब बढ़ा के इसको बढ़ा सकते हैं। बट हाँ अभी फेयर गेम प्ले चल रहा है और फेयर गेम प्ले में बस ये एक गेम प्ले में चीटिंग करी वो जो की है एग। मतलब यार एग रख के क्या मतलब है, 100-200 दिन में निकलेंगे, इससे अच्छा है अपन होने देते हैं काम यहाँ का। और अभी मेरे को सबसे पहले एक काम करना है और वो है ये कि मुझे सबकी शेडल्स बनवानी है, ठीक है? तो किस किस की नहीं बनी उन उनके अलावा औरों की बनवाते हैं। और मेरे पेल्स को बीमारी हो गई थी जरा, ऐसा मेरे सुनने में आया है। ओके भाई, सब किसी ना किसी चीज से ये हंगरी है, ये हंगरी। अबे हंगरी क्यों हो? हंगरी वाले सारे बाहर आओ, खाना खाओ, इसको फ्रैक्चर है भाई इस आदमी को, बताओ। चलो खाना खाने वाले सारे खाना खाने लग गए हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा खाना पड़ा था। बाकी केक बन सकता है क्या? केक बनने के लिए अपने पास कमी है रेड बेरी फ्लोर और हनी की। हनी नहीं होगा यार, बाकी सब तो जरूर मिल भी जाएगा। ठीक है हटो, अभी मैं बनवा रहा था शेडल जो की मेरे पास फॉक्स की पड़ी है। इन्वेंट्री में चेक करते हैं, मेरे पास फॉक्स की है, नाइट विंग की है, ठीक है मेरे को पता पड़ गया किस किस की है और किस किस की नहीं है। देखो इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है, बट ये काम ही नहीं आते, इनकी बनाने की क्या जरूरत है। मैं बनवाने वाला हूँ फिलहाल, ये क्या काम आएगी, ये बन भी रही है, इसको देखते हैं बना के। बाकी एक ये बनवा सकते, मेमथ की बनवानी है, इसमें अपने पास पैलेडियम फ्रेगमेंट की कमी है। पैलेडियम फ्रेगमेंट बना दोगे भाई कोई? इधर आओ। ओके पैलेडियम फ्रेगमेंट बना पड़ा है, लेट्स गो। सबकी अनलॉक हो गई है, मैं बनाने वाला हूँ फटाफट फटाफट। एक तो इसकी मेमथ की बना दे भाई, एक और रखवा दूंगे पाल गेयर वर्क बेंच, ये लो इसके अंदर अपन बना देंगे। इसकी बनवा के देखनी है इसको अपन क्या ग्रेनेड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, ये बन गई है। चलो मैंने सबके ग्लव्स ले लिए, अभी एक एक की टेस्टिंग करते हैं क्या करेंगे ये लोग। तो इसके अंदर एक ये चाहिए मेरे को, एक मेरे को चाहिए ये, और एक अपना मेहमत भाई, डन। सबसे पहले इसके ऊपर बैठ के देखते हैं ये कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 छह तक गिनती में आया। ठीक है ये बंदा यहाँ तक, मेरे को कंपेयर करना है, इधर 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 पीछे 1 2 ओके नहीं यार ये दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है भाई, बहुत तेज दौड़ रहा है। नहीं नहीं कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ क्या पता किसी और चीज में हो। अरे ओ इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके हाथी भाई के ऊपर अपन सवारी कर सकते हैं। ये चलता है जब धरती हिलती है क्या? नहीं धरती तो नहीं हिलती है। क्रश टोर्नेडो छोड़ने के काम आता है, और अच्छा ठीक है गोला बारूद, और ओके इसके सारे अटैक मेरे को पता पड़ गए। लेट्स गो नीचे की साइड चलते हैं भाई, मोटा भाई थोड़ा दौड़ते कम है लेकिन हाँ ऊपर का व्यू बहुत अच्छा दे देते हैं। लांबा लांबा घूंघट काहे को डाल। यहाँ पे मुझे लगवाना था टोमेटो प्लांटेशन जो कि अपनी अनलॉक हो गई है, बट सीड्स अभी अभी तो थे, मैं सीड्स खरीद के लाया था इसके लिए। ठीक है मेरे मेन बेस पे रखें, मैं 2 मिनट में लाया, टोमेटो सीड्स मिल गए मेरे को। अभी इसके लिए और चाहिए अपने को वुड स्टोन और पाल फ्लूड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है थोड़ा बहुत वुड ले लेते हैं, डन। और स्टोन तो वहां रखा है, यही चाहिए मेरे यहाँ तक, पाल फ्लूड स्टोन और टोमेटो सीड्स। ओके चलो चलो लेट्स गो, अपने पास एक नई रेसिपी अनलॉक होने वाली है। इस पे नहीं इस पे। ओके तो अभी मैं पाल फ्लूड स्टोन और टोमेटो सीड्स जो भी जरूरत की चीजें थी वो सारी ले आया हूँ और यहाँ ला ला के मैंने रख दी है। ठीक है अभी मैं बनवाने वाला हूँ टोमेटो प्लांटेशन जो की बनेंगी अपनी यहाँ पे, नहीं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है एक यार दो बन जाएंगी, दो कैसे बन रही है? हाँ बनी तो नहीं रही, स्टोन और वुड नहीं है। गाइस इस पे से देखते हैं अपन क्या बनवा सकते हैं, क्योंकि फ्राइड टमेटो जैसा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ बना है क्या यार? कोई सा कैंसिल कर दूं क्या मैं? रुको इसको कैंसिल करने दो, भाई कैंसिल करना है। ओके अच्छा इन सब चीजों के लिए टोमेटो चाहिए, और ये शायद अभी अभी खुला है सैलेड, पहले नहीं था, ये दोनों चीज अभी खुली है। नाइस दो रेसिपी अपनी अनलॉक हो गई है। ठीक है इसमें वापस से मैं ये ब्रेड बटर जाम बनवाने रख देता हूँ। हटो हट जाओ गाइस, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इस पे प्लांटिंग चालू हो गई है। एक बार देख लेते हैं कैसे होंगे टोमेटो। बाकी गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने एक बहुत तगड़ा मतलब एक तरीके से मान लो इलेक्ट्रिक का टॉप पेल पकड़ लिया है। तो इसी बात पे तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।